Good morning, everybody. My name is Sunil, senior lecturer, Government Women's Polytechnic College, Kota. आज हम पीएमई विषय के अंतर्गत वो सहायक इकाइयाँ या कहें कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमें कोई भी बिजनेस के लिए आगे बढ़ के हेल्प करती है, अर्थात असिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और इन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, हिंदी में से बोलते हैं राजकीय वित्त निगम। इसके नाम से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये एक ऐसा वित्त निगम है या कहें कि एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने जीवन व्यापन के लिए छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया एक वित्त से रिलेटेड एक कॉरपोरेशन है। यह कॉरपोरेशन कोई भी लघु उद्योग हो या मध्यम टाइप का कोई ऐसा निर्माण हो उसके लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी औद्योगिक विकास से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए यह निगम ऋण प्रदान करता है। वित्तीय अधिनियम 1991 के तहत प्रत्येक राज्य में, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में इसकी स्थापना की गई है और केंद्र एवं राज्य के अनुसार केंद्र और राज्य के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, जितनी भी सरकार कोई भी इस तरह का नई नई चीजें लेके आती है, कोई जैसे कोई भी अधिनियम लेके आ गई है या कोई गरीबों के लिए प्रोत्साहन राशि का सिस्टम लेके आई है, जो भी इस तरह का कोई भी प्रमोट करने के लिए राशि या कुछ तरह का फाइनेंस डीलिंग होती है, तो राज्य एवं केंद्र सरकार इसी के माध्यम से, इसी निगम के माध्यम से आम जनता को या कहें कि इस तरह के इंटरप्रेनर लघु उद्योग स्थापित करने वालों की इसके माध्यम से सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, इस निगम के कुछ अपने अधिकार हैं, वो अधिकार इस प्रकार हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य जो कार्य है वह औद्योगिक प्रतिष्ठान जितने भी होते हैं उनको ऋण प्रदान करना है, साथ में ये ऋण पत्र भी देती हैं जिसकी अवधि 20 वर्ष होती है। मतलब यह जैसे यदि आप अपना प्रतिष्ठान शुरू करना चाह रहे हैं तो ऋण तो देती होती है, साथ में आपको ऋण पत्र भी दे सकती है जिसको वापस आपको देने के लिए 20 साल का वर्ष देती है। ठीक है, यह जैसे आप किसी दूसरी संस्था से अपने इंडस्ट्री को, अपने लघु उद्योग को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह उस ऋण को जुटाने के लिए भी गारंटी देती है कि हाँ ये हमारा एंटरप्रेन्योर है, हमारे अंडरटेकिंग में इसने अपनी इंडस्ट्री चालू की है, एक तरह से वह आपकी एक गारंटी देती है। ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा शेयर्स, डिबेंचर्स आदि को जारी करने की भी जिम्मेदारी देती है, तथा लेने देने के संबंध में जैसे पैसा कहीं से लेना है देना है, इस संबंध में ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक एजेंट का काम करती है। यानी कि एक तरफ राज्य सरकार और दूसरी तरफ केंद्र सरकार, यह निगम बीच में आकर के उस बंदे की, संबंधित इंटरप्रेन्योर की एक गारंटी दे देगी हाँ इसको आप अमुक राशि आप इसको दे सकते हो। तो एक तरह से वो एक बीच का मीडिया रोल अदा करती है, एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। राज्य एवं वित्त विभागों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की स्वामित्व की साझेदारी कम से कम 1,20,000 रुपये तक की साझेदारी कर सकती है, और जो लिमिटेड कंपनी है या कहेंगे जो पंजीकृत कंपनी है
उसमें ये अपना इंटरफेयर कम से कम 2 करोड़ से ऊपर ये अपना इंटरफेयर कर लेती है, और इस निगम के माध्यम से सभी प्रकार के उद्यमियों के लिए नई नई योजनाएं चालू करना और उनको मूर्त रूप देना, तैयार करना और एंटरप्रेनर को आगे बढ़ना, निरंतर उसको गतिशील करना। क्योंकि जब फाइनेंस की सुविधा जब किसी भी एंटरप्रेनर को मिल जाती है तो वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। यह बहुत ही किसी भी एंटरप्रेनर के लिए, यह कहें कि कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए आरएफसी उनके लिए बहुत बड़ी योजक कड़ी है। थैंक यू वेरी मच।